नमस्कार किसान साथियों, आज हम फील्ड में हैं। सोयाबीन ये RVSM 1135 लगाई हुई है। अभी इसके ऊपर खेत पे निरीक्षण कर रहे थे तो देखा कि अब पहला जो स्प्रे है कीटनाशक का, वो क्या डाले तो खेत की विजिट ज़रूर करें। खेत की विजिट करते हुए हमें यहाँ पे कई कई पे रिंग कटर, जिसको गर्डल बीटल बोलते हैं, वो दिखी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये पौधा जो सबसे पहला उसकी शुरुआत हो गई है काम, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसने दो कट लगाए हैं रिंग कटर ने, और इसके अंदर उसने अपना अंडा छोड़ा है इसके अंदर। ये देखिए आप एकदम देखेंगे माइल्यूट, इसको पास से ये उसका अंडा दिखेगा आपको, दिख रहा है ये जो अंडा है उसका, ये येलो कलर में ये उसने उसका अपना अंडा दिया है। इससे इसके जीवन चक्र की शुरुआत हो रही है। तो आपको ऐसे मुरझाए हुए पौधे अगर आपके खेत में दिखे तो आप समझ लो गर्डल बीटल का अटैक आपके खेत में शुरू हो चुका है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए जो अनुशंसित दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करें। आप चाहते हो अगर कि बिल्कुल सस्ते में निपट देना है और इसको कंट्रोल कर लेना है तो प्रोफेनोपास 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, और कम ड्यूरेशन का उससे कंट्रोल मिलेगा। और उससे अगर आप ज़्यादा अगर उसको चाहते हैं उससे और अच्छा कंट्रोल, तो आप इमिडाक्लोप्रिड या फिर लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सोम या क्लोर इंट्रानिलीप्रोल जो कि कोरोजन के रूप में आता है, ऐसी दवाई का यूज़ करेंगे तो उससे आपको लॉन्ग ड्यूरेशन मिलेगी। और उसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सोम या लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस क्लोर इंट्रानिलीप्रोल, इन सबका एक अच्छा कॉम्बिनेशन वाली दवाई डालेंगे तो आपको लॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। और ये स्टेज है, इस स्टेज में अगर आप स्प्रे कर देंगे तो ही आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब मैं इसका जीवन चक्र आपको बताता हूँ। ये इसकी प्राथमिक स्टेज है, ये इसकी जो फ्लाई आती है, मक्खी आती है, जिसके ऊपर हल्का सा लाल रंग का एक चकत्ता होता है, वो अपना अंडा इसमें छोड़ के गई है। इसने जो अपना अंडा इसमें इसलिए छोड़ा है कि वो अंडा वहाँ पे सुरक्षित रहेगा बाहर के एनवायरनमेंट से। धीरे धीरे वो एक कैटरपिलर के रूप में, इल्ली के रूप में डेवलप होगा, और अगर वो इल्ली धीरे से एक बार तने में चली गई तो आपकी कोई भी दवाई उसके ऊपर असर नहीं करेगी। और इससे एक सोयाबीन की जो ओवरऑल सर्वे हुई है इंटरनेशनल में या नेशनल स्तर पे, तो उसमें बताया कि 60-70% ये डैमेज करता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसको आप ये टाइम रहते कंट्रोल करें, और उसके बाद वो इल्ली अगर तने में चली गई तो वो अगर आप दवाई डालोगे भी सही तो कुछ टाइम के लिए वो खाना बंद कर देगी, लेकिन जैसे ही दवाई का असर कम होगा वो फिर से खाना शुरू कर देगी। उसके बाद का पूरा चक्र मैं बताता हूँ कि ये दो तरफ से उस तने के डंठल को काट के ज़मीन पर गिर जाएगी, और उसके अंदर जो कैटरपिलर रहेगी वो ज़मीन में मिल जाएगी, और जैसे ही अगली बार क्रॉप लाते हो सोयाबीन की तो फिर से डेवलप होना शुरू हो सकती है। तो इसको मारने का सबसे और इसको कंट्रोल करने का सबसे राइट टाइम है, आप खेत का निरीक्षण करें, झुकी हुई डालियां, मुरझाए हुए पौधे और कट आपको लगे तो ये रिंग कटर गर्डल बीटल है, आप समझ जाना। और इसके ऊपर जो दवाइयां मैंने बताई हैं उनमें से किसी भी दवाई का स्प्रे आप करके इसके ऊपर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये राइट टाइम है। और इसके साथ साथ में ये दवाइयां डालेंगे तो आपकी सेमी लूपर हो गई, या अगर क्लोर इंट्रानिलीप्रोल जैसी कोई अच्छी दवाई डालेंगे कोरोजन वाले कंटेंट, एम्प्लीको वाले कंटेंट, तो उसकी तंबाकू इल्ली पे भी कंट्रोल मिल जाएगा और लंबा कंट्रोल मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप भी अपने खेतों का निरीक्षण करेंगे और उसके अंदर लगने वाली बीमारियों के बारे में ध्यान देते हुए उसको सही समय पे, क्योंकि खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात टाइमिंग की है। अगर ये टाइमिंग चूक गए आप बाद में डालूंगा कोरोजन तो बाद के लिए है, ये है, उस हिसाब से अगर जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। और धन्यवाद।